नमस्कार। सूफियाने घराने की बात करें, संवाद को शुरू करें, उससे पहले मैं चाहूँगा अगर पंडित जी की इजाज़त हो तो थोड़ा सा स्वर लय संवाद हो जाए, सुरीले शुरुआत हो जाए, उसके बाद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। ठीक, आप सबको मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे बहुत सारे संगीतज्ञ यहाँ बैठे हुए हैं, जिनमें पंडित यशपाल जी भी हैं, और इनका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि ये तशरीफ लाए और अपना कुछ समय यहाँ बिताया। डॉक्टर अनुपम महाजन जी या डॉक्टर सुहासिनी जी, बाकी सब दोस्तों, सूफियाना घराने की बात चली है और संवाद बाद में होगा तो मैं थोड़ा सा पेश कर लूंगा सोपुरी बाज का कुछ अंक, हल्का सा रागावती में।
क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है, थैंक यू पंडित जी। आप स्वयं को सूफियाना घराने का कलाकार कहते हैं जी, इसलिए मैं सबसे पहले आपसे सूफियाना के विषय में ही जानना चाहता हूं, क्योंकि सूफियाना शब्द आज फैशन में है और धड़ल्ले से बिक रहा है जी। बिक रहा है, भजन गाने वाले भी सूफियाना गा रहे हैं, गजल गाने वाले भी सूफियाना गा रहे हैं, लोकगीत और कव्वाली गाने वाले भी सूफियाना गा रहे हैं जी, ख्याल गाने वाले भी सूफियाना गा रहे हैं, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, राजस्थानी, पंजाबी, कश्मीरी और भोजपुरी तथा खड़ी बोली आदि भाषाओं में सूफियाना के गीत खूब गाए जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर सूफियाना है क्या चीज़, क्योंकि आप संतूर के सूफियाना घराने की बात कर रहे हैं जी हाँ, और आपके पास तो शब्द नहीं है, केवल स्वर ही स्वर है जी। फिर एक कैसा सूफियाना? दो चीजें हैं इसमें विजय साहब, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि हमारे जो मेरे प्रेडिसेसर्स रहे हैं, पूर्वज रहे हैं, हमारे घराने में जो डाटा अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, जिसमें आठवां मैं हूँ, इसमें आठवीं पीढ़ी जो संगीत से जुड़ी हुई है, और अभय नौवीं है जाहिर है। तो उसमें जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, वहाँ तक वो ठेठ
सुफियाना कलाम ही था। पंडित संसार चंद सोपोरी नहीं, पंडित शंकर पंडित। पंडित शंकर पंडित जी, जी। तो उनसे जो भी उनके जो उनके फोरफादर्स थे वो टिपिकल सुफियाना गाना ही गाते थे। लेकिन मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, चूंकि वो पंजाब से उनका काफ़ी आना जाना रहता था, तो उन्होंने क्लासिकल शैली पिकअप की, यानी पंजाब घराने की गायकी उस वक्त उन्होंने पिकअप की। और कश्मीर का वैसे भी जो बॉर्डर नज़दीक पड़ता था वो पंजाब ही था, तो उन्होंने अपनी शैली में हल्का फुल्का चेंज करके ये दोनों शैलियाँ उन्होंने शुरू की। लेकिन कश्मीर में चूँकि ज़्यादा सूफियाना ही चलता था, इस वजह से उनका प्रदर्शन जो प्रेजेंटेशन होती थी वो ज़्यादा सूफियाना गाने की ही होती थी। मेरे ग्रैंडफादर फिर उन्होंने टेक ओवर किया, लेकिन जब मेरे फादर पे ये आया सारा, तो उन्होंने सूफियाना सीखा, सूफियाना गाया भी, लेकिन उन्होंने सितार और वोकल का ही टेक ओवर किया और बाकी जितने भी लाइटर फॉर्म्स थे उनको सिखाना शुरू किया। और उनका फोटो सितार और गाना ही था, गाने गाना ही रहा है। मैंने ये सोचा क्योंकि उस जगह पर वैसे भी हमारे कंट्री में म्यूजिशियनों की कोई बहुत ही हालत बहुत खस्ता थी, बहुत ख़राब थी, और क्लासिकल म्यूजिशियंस बहुत स्ट्रगल में हमेशा से ही रहे हैं और करते रहे हैं, और आने वाले वक्त में भी उनको उनका स्ट्रगल ही उनके नसीब में है, क्योंकि क्या मिलता है यहाँ कोई पता नहीं होता। तो अपने उन बुज़ुर्गों की एक इज्जत के लिए और उनकी उस आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए मैंने सोपोरी घराना नहीं कहा, मैंने सूफियाना घराना ही कहा, क्योंकि दो लीनेज थी, एक हमारा जो हिंदू परंपरा से थे और एक जो मुस्लिम परंपरा के हैं, और उनका टिपिकल सूफियाना ही चल रहा है। उन्होंने उसमें कोई रद्द बदल नहीं किया, बल्कि सूफियाना मकामात ही उस पर रखे। तो मेरा यही था कि मेरे जो बुज़ुर्ग रहे हैं, आखिर मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो उनकी ब्लेसिंग्स का हूँ, उनकी दुआओं का हूँ, तो उनके वो मर्यादा उस वो जो हेरिटेज को ज़िंदा रखने के लिए मैंने कहा कि कश्मीर का सूफियाना घराना, और जो मैंने उसके बाद इनोवेशन संतूर के साथ की या कंपोजिशंस के साथ की, वो सोपोरी बाज कहलाया, यानी कश्मीर का सूफियाना घराना सोपोरी बाज। ये दो चीज़ें आ गई उसमें। मुझे ऐसा लगता है, थैंक यू, मुझे ऐसा एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ये संवाद सीरीज कल भी हुआ है, आज भी हुआ है। कल विदुषी सुहासिनी कोरटकर जी अपने दो साथियों के साथ आई थी, हम लोग बिना किसी तैयारी के आए हैं, और मैं इस परंपरा के विषय में कुछ भी नहीं जानता, तो एक छात्र की तरह मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अलग बात है कि ये छात्र थोड़ा नटखट है, थोड़ा शरारती है, तो मैं थोड़ा भजन जी को छेड़ूंगा बीच बीच में, और मैं जानने की कोशिश करूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सूफियाना या सूफीवाद जो है कोई संगीत नहीं है, मैंने जो सोचा है वो एक विचारधारा है ईश्वर से जुड़ने का, निर्मल प्रेम, भक्ति, त्याग और समर्पण। उसको कवियों ने लिखा, अलग अलग भाषाओं में लिखा, हिंदी में, उर्दू में। कबीर भी सूफियाना में आते हैं जब वो कहते हैं चदरिया झीनी रे झीनी, या सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, या मीरा जब कहती हैं सूली ऊपर सेज पिया की कहीं विधि मिलना हो, तो वो भी सूफियाना की ही बात करते हैं। अमीर खुसरो भी हैं, बलूचिस्तान, सिंध, अरबी, फारसी, राजस्थानी, पंजाबी, कश्मीरी, कई भाषाओं में भक्तों ने जो बात की अपने ईश्वर से, अपने महबूब से मिलने की, तो उसको सूफियाना कहा गया। और बाद में संगीतकारों ने जब उसको गाया तो वो सूफियाना संगीत बन गया। मेरी सोच ये है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप इसको बजाते हैं, सोपोरी बाज आप कहते हैं जो बजाते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे की ओर ले चलना चाहता हूँ। आपका संतूर बहुत एडवांस है, लेकिन पहले जब यह संतूर बजता था सूफियाना परंपरा में जी, और सोलो नहीं बजता था, संगत के रूप में बजता था, संगत के रूप में बजता था, सोलो बहुत थोड़ा बजता था, तो कैसे बजता था वो संगत वाली बात थोड़ी सी जी जरूर, पुराने संतूर की बात हाँ, जो अभी भी कश्मीर में कुछ हाँ, लोग बजाते हैं। मैं उस यहाँ ये बजाने से पहले ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो संतूर सूफियाना मौसीकी में बजता है वो हाफ है, 25 ब्रिज हैं जी, और इसमें 43 ब्रिजेस हैं, यानी ऑलमोस्ट डबल है ये उसका, उस संतूर का। शनै से शुरू होता है, सारे गामा पा दानी सारे गामा पा, क्योंकि जितना सूफियाना कलाम है, सूफियामा मकामात जितने भी हैं उनका रेंज डेढ़ सप्तक ही है, डेढ़ सप्तक के अंतर्गत इट्स सॉन्ग और प्लेड विद वन एंड हाफ ऑक्टेव्स।
कंपल्शन के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है। और मुझे जब भी शैली का, यानी अर्ली 40s में मेरे फादर ने इसमें 27 ब्रिज का कर दिया था, मंत्र सब तक खड़ा कर दिया, यानी पादा निसा रे गामा पादा निसा रे गामा, यहां तक वो चला। उसके बाद फिर जब मेरे हाथ में संतूर दिया गया, वो भी 27 ब्रिज का ही था। इसके डॉक्यूमेंटेशन है और ये बिल्कुल, अब अभी जब हम बात करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे हुआ। 27 से 29, 29 से 31, 31 से 33, 33 के बाद 36, 39, 43, ऐसे जंप इसमें आ गया है। और हिस्ट्री उतनी ही है जो जितनी मेरी जिंदगी है। 5 साल से शुरू मैंने किया, 60 साल बजाते हो गई, यही इसकी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में हिस्ट्री है, इसे ज्यादा नहीं है। तो जी थोड़ा बजा के भी आप दिखाएंगे? हाँ ना, तो मैं एक्चुअली ये कहना मुझे जरूरी था, क्योंकि जब सूफियाना की बात चलती है तो जरब अलहिदा है, जब शास्त्रीय संगीत की बात चलती है जरब अलहिदा है। अब सूफियाना गाने में वो जरब क्या है जो लगता है? भजन जी को गाते हुए बहुत कम सुनने को मिलता है, और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि इस मंच पर ये गाना भी गा रहे हैं और संतूर भी गा रहे हैं। दरअसल ये है कि चूंकि सूफी मकामात जो हैं वो बहुत सारे हजारों हैं, और उन
बुजुर्गों ने, उन गवैयों ने बहुत मेहनत की है। कभी कभार ये होता है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, उनके साथ वही हुआ, रादर हमारे साथ वही हुआ। तो उसमें ये है कि कंपोजिशंस इतनी हैं, इतना मटेरियल है उसमें, और इतनी ताले हैं, इतना डिवीजन है, इतनी छंदकारी है, इतनी लयकारी है, जो हमारे पूर्वज करते थे, हमारी परंपरा में है, जिसमें चूंकि शास्त्रीय संगीत का भी उसमें असर था। तो इस वजह से ये मुझे बताना बहुत जरूरी पड़ा कि कैसे जा रहा है। तभी मैंने कहा कि ये मामला कहरबा वाला नहीं है, जिंदाल बाबा वाला मामला है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि ये किस ढंग से जाते हैं, बढ़त कैसे करते हैं, और सम लेके वक्फा, वक्फे के बाद अंतरा वगैरह कैसे आता है। ये मामला कहरबा वाला नहीं है, ये बताना इसलिए भी जरूरी हो गया है कि कुछ साल पहले तक, ज़्यादा नहीं, 10-15-20 साल पहले तक ऐसा भी माना जाता था कि संतूर एक फोक इंस्ट्रूमेंट है, जबकि ये रहा नहीं है। ये सूफियाना परंपरा का ही साज है। हाँ, कभी नहीं था, कभी नहीं था, कभी ये फोक इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा। हाँ। कभी खेतों खलियानों में नहीं बजा ये, जब ये बजा मंदिरों में बजा, पीरों के दरगाह पर बजा, और पूरी आध्यात्मिकता के साथ बजा। इसलिए भी बताना जरूरी है कि कहरवा का नहीं है, तीन ताल का मामला है। एक चीज आपको सुनाऊंगा, देखिए, ये संतूर की चीज है, सूफियानी की चीज है, और चपंदाज ताल में है। धिन धिन ता ता धिन धिन चपंदा ता ता धिन धिन, मात्रा छः है, दादरा नहीं है। जी हाँ, दादरा नहीं है मार्केट, क्योंकि ये धा धा ता धा 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 ता धा धा ता, इसे पंच पे डिफरेंस आता है। देखिए, अब ये जब चीज है तो ये फोक इंस्ट्रूमेंट्स की चीज है नहीं, ये तो इसी रस की चीज जा रही है। बोल कैसे कट रहे हैं, इसी साज के हिसाब से ये रचा गया है। तभी मैं बार बार कहता रहा कि जो ये कह रहे हैं कि ये संतूर जो है लोगों के वादे है, और मैंने स्टैंप लगा दी और ये कर दिया, वो हिस्ट्री ही नहीं है, डिस्टॉर्शन है, बिल्कुल एक गलत चीज का प्रचार हो किया जा रहा था। लेकिन जब इसको बजाया हमने और हर जगह बजाया, और ये भी बताया कि ईरानी साज हमें कोई लेना देना नहीं है, कश्मीरियत है, कश्मीर को ये डिफाइन करता है, कश्मीर के सारे माहौल को डिफाइन करता है, संतूर कश्मीर एक ही चीज़ है, और उसमें हमें उनसे कोई भी नहीं लेना देना, क्योंकि जब वो बजाते हैं उनके संतूर बिल्कुल एक टॉय जैसे लगते हैं हमारे संतूर के सामने, ऐसा थ्रो आता है। वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो म्यूजिशियन अच्छे नहीं है, दे आर रियल वंडरफुल म्यूजिशियंस, बट वी आर वी, हम ही हैं, हम ही हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भजन जी, आपके साथ आज आपने तीन अच्छे गायकों को भी लेकर आए हैं। जी हाँ, कैलाश मेहरा जी हैं, प्रोफेसर कैलाश मेहरा जी, मुनीर भाई हैं, और रागनी रेनू है। सूफियाना की ही बात चल रही है, कुछ गाना भी सुनते हैं सूफियाना का, क्या सुनवाएंगे आप? देखिए भाई, आपको कंपोजिशन यानी सोपोरी भाज में कंपोजिशन क्या है? सोपोरी भाज में कंपोजिशन हारमोनियम से नहीं होता, क्या आपने बाजा लिया और धुन बांधी। अच्छा। कोई भी धुन बाजा के लेके धुन बांध सकता है, 10 धुनें बंधा देगा, हो सकता है सुपरहिट भी हो जाए, लेकिन वो कंपोजर नहीं बनता। कंपोजर है कि जो चीज़ आप लेंगे उसका सोल प्रेजेंट हो रहा है, वो सिस्टमेटिक है, ग्रामर के हिसाब से है, ऑथेंटिसिटी है उसमें, जस्टिफिकेशन है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन है उसमें, क्यों कैसे। ये नहीं कि मेरा मन चाहा तो मैंने ऐसे कर दिया। शास्त्रीय संगीत और ये सारा जब एक डिफाइन चीज़ में आ जाता है, वह मन की बातें नहीं चलती। मेरा मूड आ गया और मैंने कर दिया, क्यों किया? पहली बात पूछेंगे, मैं ही पूछूंगा, प्रोफेसर यशपाल जी बैठे हैं, 10 दफा ये पूछेंगे क्यों किया भाई। सही बात है, सही कह रहे हो प्रोफेसर साहब। और यही क्वेश्चन होगा कि कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? उसमें कुछ
कंपोजिशंस ऐसी थी क्योंकि कश्मीर में थोड़े से लिमिटेड थे जो फोक स्ट्रक्चर्स थे जी। मैंने उनकी काफ़ी एनालिसिस करके उसमें हज़ारों नई धुनें भर दी और कुछ फोक आधारित हैं, कुछ सूफियाना आधारित हैं, कुछ मिक्स्ड हैं, कुछ राग पे भी हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको अभी एक कंपोजिशन सुनवाता हूँ, कैलाश जी से कहूँगा कि ये गाए, ये एक गाना मैंने बांधा था और इसका देखिए आप सुन लीजिए। ये मैं थोड़ा सा उससे पहले ये बताऊंगी कि जिस ज़माने में कश्मीर में हमारा माहौल जो है वो औरतों के लिए गाना बजाना एक बड़ी मुश्किल सी बात थी। जिस ज़माने में मैंने भी गाना बजाना अपने घराने से, गुरुजी से, पंडित जी से, पंडित शंभुनाथ जी सोपुरी और गुरुजी पंडित भजन सोपुरी जी से सीखना शुरू किया, तो वो बड़ा मुश्किल दौर था। और जब रेडियो में आ गए पंडित जी, ये 74 की बात है, और हम लोग भी उसी दौर में बहुत छोटे थे, मैं भी 10th क्लास में पढ़ती थी 11th में, तो उस वक्त एक रेवोल्यूशन जो आया, सूफियाना तो था जो घराना 8 पीढ़ियों 9 पीढ़ियों से चल रहा, लेकिन एक संगीत का जो दौर था फोक म्यूज़िक का, तो वो बिल्कुल सीधा साधा गाना होता था, घंटों चलता था, 1.5-1.5 घंटा छकरियाँ चलती थी। लेकिन पंडित जी के आने से जो एक चेंज आ गया, एक रेवोल्यूशनरी टाइम था वो 70s का वक्त। उस वक्त में ये हुआ कि जो लोग गाना बजाना कश्मीरी ख़ास तौर पर सुनते नहीं थे, उस शौक से नहीं सुनते थे क्योंकि घंटों छकरियाँ सुननी पड़ती थी, तो वो चाहे कश्मीर में रहते थे या कश्मीर के बाहर थे, तो उन लोगों में एक शौक पैदा हुआ कश्मीरी म्यूज़िक सुनने का, क्योंकि 5 मिनट के अंदर एक कश्मीरी गाना सुन के मेलोडियस, तो वो एंटरटेनमेंट हो जाता था। और उसमें ख़ास बात ये थी कि बहुत सारे गाने थे जिनमें खाली स्थाई थी, खाली स्थाइयाँ थी, और शुरू से लेके जितने भी 8-10 बंद हैं स्थाई से चल रहे हैं, तो पंडित जी ने उनके अंतरे बांधे और उसमें एक इस किस्म का चेंज आया। और बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ उस ज़माने में, पेपरों में छपा, और फिर वही लोग आकर पैरों में भी गिरे कि नहीं नहीं ये तो कुछ अलग से बात बन गई। और गाने बजाने का जो एक माहौल है, ख़ास तौर पर जो औरतों के लिए गाना बजाना था, मैं कहूँगी अपनी वजह से, वो सूफियाना घराने की देन है कश्मीर में, कि औरतें जो हैं वो सामने आईं गाने बजाने में। एक कंपोजिशन मैं आपको सुनाऊंगी, जो कश्मीरी ऑडियंस है वो तो ये हाउस होल्ड गाना है कश्मीर का, लोग बड़े शौक से सुनते हैं, तो मैं थोड़ा सा गुनगुनाऊंगी। बेदर्द दाद जाने सूर हो सपदा यारो लो लो, ताल देखिए मुश्किल से पकड़ में आया। दर्द दाद जाने सूर हो सपदा सोई लई मुठिया म्यानी यारो लो लो, बेदर्द दाद जाने।
थैंक यू। अब इस गाने में क्या था कि सधाई थी जिसमें भी थोड़ा सा रद्द बदल मैंने किया था, अंतरा नहीं था, वो अंतरा भी ऐसे ही गाया जाता था, तो मैंने उसमें अंतरा डाला, उसको मैच करके वो वॉइस कल्चर उसको देखे तो अंतरा ऐड हो गया इसमें। ऐसे एक और गाना बहुत फोक मेलोडी थी जैसे करियो मंस जिगरस जा जाए, तो वो गाना भी बिल्कुल ऐसा सीधा सीधा गाया जाता था, करी क्या है करियो मंज जिगरस जाय छमनो माय मशनी, ऐसे ऐसे गाया जाता था, लेकिन जो कंपोजिशन पंडित जी ने बांधी इसी इसी को लेके वो थी, करियो मंज जिगरस जाय छमनो माय मशनी, करियो मंज जिगरस जाय छमनो ना ना ना, ये देखे लाए पकड़ में नहीं आएगी, करियो मंज जिगरस जाय छमनो माय मशनी, करियो बदन म्यों अशकन क्राय तथ मंज वंद तोलुथ विजय शंकर भाई ने कहा कि हम लोग बिना किसी तैयारी के, जैसे अभी रिदम का एकदम पता नहीं चल रहा है, तो बहुत सारी चेंजेस ऐसी हुई कि जो बिल्कुल जो ट्रेडिशन फोक चल रहा था कश्मीर में उससे हटके बहुत कुछ सामने आया जी। और एक और कंपोजिशन, बहुत सारी हैं, अगर सैकड़ों कंपोजिशंस हैं उनका शुमार नहीं है, और बहुत टेढ़ी टेढ़ी कंपोजिशंस हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंपोजिशंस हैं जो ट्रेडिशनली गाते आ रहे थे, जो खास जो उन चीज़ों में चेंज हुआ, और फोक गाना एक बिल्कुल बहुत ही आम घरों में लेडीज गाती थी शादी ब्याहों में, उस गाने को भी चेंज किया, सरी छ गचान पानस पानस, वो ऑल इंडिया रेडियो से भी बहुत देर फीचर बेसिकली रूफ के फॉर्मेट में है वो, और उसको फिर थोड़ा सा रद्द बदल करके और उसमें थोड़े और वैरायटी डाल के वो गाना बांधा था मैंने। सरी छिगछान पानस पानस मानस बल छई दिव्या जान, वो घोड़ा चाल वाला है, सरी छिगछान पानस पानस मानस बल छई दिव्या जान, सरी छिगछान पानस पानस मानस बल छई दिव्या जान, मानस बल छई दिव्या जान। अब इसका अंतरा थोड़ा सा चेंज हो गया, लराल जमाई मजय मदानस अंदी अंदी करी मस दारी बर्जान, लराल जमाई मजय मदानस अंदी अंदी करी मस दारी बर्जान, लर रोजी
और एक थैंक यू, एक कंपोजिशन ऐसी है जो राग पर आधारित है, क्लासिकल राग है, राग चारुकेशी पर आधारित है, बहुत पुरानी बंदिश है जी। हाईवेस ही तने हरनी हुंद भाई रुस्तुम सपोरी। छोटे पंडित मैं कहता हूं उनको, आप सूफियाना परंपरा की बात कर रहे हैं, मैं आपसे सीधे बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जानना चाहता हूं कि जब आप सूफियाना घराने की बात करते हैं तो हम लोग जो संगीत की बात करते हैं, हम ये मानते हैं कि जब एक घराने की बात करते हैं तो उसमें एक नए तकनीक की बात करते हैं, एक नई विशेषता की बात करते हैं। जितने घराने उतनी अलग अलग तरह की विशेषता। स्थान के नाम पे घराने नहीं बनते, विशेषताओं के नाम पे घराने बनते हैं। तो जब आप सूफियाना घराने की बात करते हैं, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, तो आपके संतूर में वो कौन सी ऐसी विशेषताएँ हैं जो दूसरे संतूर में नहीं है या दूसरे तंत्रवादकों में नहीं है? आपने या आपके बुजुर्गों ने ऐसा क्या किया कि हम उसको सूफियाना घराना मान लें? बोलते भी जाइए और बजाते भी जाइए जी। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। म्यूजिक की जो बात होती है वो गाने बजाने से ही होती है, बाकी सारी चीजें किताबों में ही अच्छी लगती हैं। मेरी किताबों की तरफ इशारा तो नहीं है। सूफियाना घराना और सोपोरी बाज बहुत वास्ट है। मुझे लगता है कि संतूर को जिस मुकाम पे पंडित भजन सोपोरी साहब ने पहुंचाया, हम सभी अगर उसका 20-25% भी पहुंच जाएं तो बहुत अच्छे म्यूजिशियंस कहलाएंगे अपनी अपनी लाइफ में। एक ऐसा साज जो चंद बोलों को लेके आधारित था, वो एक ऐसे मुकाम पे है आज जहां पे कि पूरा गाना नजर आता है। तो अक्सर आप देखेंगे कि लोग ये कहते हैं कि पापा का संतूर जो है वो गाता है, जो सही है। हर एक साज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वोकल सिस्टम के क्लोज हो, अदरवाइज उसे वो क्लासिकल एक्लिमेशन नहीं मिलता।
जो इसके डेवलपमेंट है, जैसा पापा बता रहे थे कि 43 ब्रिजेस का हमारा साज है, ये सारी जितनी भी इनोवेशंस हैं इन्हीं की हुई हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि आपने क्या किया, फैक्ट ये है इन्होंने कुछ रखा ही नहीं है, अब छोड़ा कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ये एक संपूर्ण साज है जिसपे एक आर्टिस्ट आएगा और रियाज करेगा, रियाज अच्छा करेगा नाम होगा, नहीं करेगा नहीं होगा। लेकिन अब टाइम नहीं लगाना है कि गमक कैसे आएगा संतूर पे, मींड कैसे बजेगी संतूर पे, वो कौन से बोल होंगे जो बजेंगे ताकि तंत्रकारी झलके, वो कौन सा अंग होगा जो बजे ताकि गायकी झलके। तो वो जो एक लेवल पे संतूर पहुंचा है वो सोपोरी बाज है जो इन्होंने दिया है। अगर राग चंपाकली में थोड़ा सा इजाजत चाहूंगा पेश कर रहा हूं। लाइन में फैंटम बंद कर दीजिएगा भैया, नहीं चलेगा। गाना है वो बजे जीते रहो।
उम्मीद है। अल्पा समय जोड़ काम सबसे कहना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ दो ऑक्टेव्स में सेम पोर्शन जा रहा है अपर लोअर, जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में उतना पॉसिबल नहीं। हाँ, वायलिन को छोड़ के जो वेस्टर्नाइज फील्ड में कहीं कहीं वो लगता है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि दोनों ऑक्टेव्स एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं, दो सप्तकों में एक साथ। जो सस्टेन क्रिएट करना है, जो कट्स आने हैं, वो सारी चीजें इस बाज को शेप करते हैं। जैसे यानी हर नोट इंटरलिंक्ड है, ये सिर्फ कट नोट नहीं आ रहा, क्योंकि कट नोट हमारे शास्त्र के हिसाब से उतना फिर राग जस्टिफाई नहीं होता है, कट नोट्स में राग जस्टिफाई होता नहीं है। इस वजह से ये सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि फिंगर टेक्निक क्या है, रिस्ट मूवमेंट क्या है, आर्म मूवमेंट क्या है, शोल्डर पे कहाँ पे आ जाएगा, जिससे ये सस्टेन्स आ जाएँ, जिससे बोल कनेक्टेड रहें, उनकी प्रॉपर एक डेप्थ मिले, जो राग में जिस हिसाब से गंदार लगना चाहिए, किस हिसाब से मध्यम लगेगा, किस हिसाब से दैवत होगा, या कौन सा नोट किस प्लेसमेंट में किस डेंसिटी से, उसमें देखें। अब इसमें गमक के कुछ पैटर्न्स
इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मैं गा रहा हूं ये सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ना मैं बताना चाह रहा हूं कि मुझे गाना भी आता है और मैंने सीखा है, लेकिन ये इनफैक्ट सूफियाना ट्रेडिशन है। मेरे दादाजी पंडित शंभुनाथ सोपोरी जी आज भी अगर मुझे कुछ बताएंगे तो वो कहते हैं साज साइड में पहले गाओ, क्योंकि जब तक जो चीज बजानी है उसे हम फील ना करें, वो गले में ना उतरे, वो साज पे आ नहीं सकता। और जो सूफियाना परंपरा है उसमें गाना और बजाना एक साथ होता है। पापा भी गाते हैं लेकिन उन्होंने कॉन्सर्ट्स में उसको इतना रूटीन में नहीं रखा, मैंने इसे अपने शैली में ढाला। जरूरी भी था क्योंकि हमारे गुरु शिष्य परंपरा में सिर्फ गुरु से हम साज या गाना सीखते नहीं हैं, हम उनकी सोच भी एक्वायर करते हैं, वो कैसे उठते हैं कैसे बैठते हैं वो भी गुरु शिष्य परंपरा है। और जहाँ पे कि जो गुरु सिखाते हैं वो हम मैक्सिमम अडेप्ट कर सकें, उसको सामने प्रोड्यूस कर सकें, ये टेक म्यूजिशियन को अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी बनानी है। नहीं तो ये होगा कि कोई गुरु को ही ना सुन के शिष्य को क्यों सुने। तो वो कोई मोबाइल ऑन है, किसी का मोबाइल ऑन है स्टेज पे, बंद कर दें हल्के से कुछ पैटर्न्स। यहीं पे घराने की कुछ खास चीज़ें ये भी हैं कि हम लोग कुछ अप्रचलित रागास भी ले लेते हैं, क्योंकि उनको सेव करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अलग अलग ताल पैटर्न, सवा की, साढ़े की, पौने की, कुछ ऐसी तालें जो सुनने को भी बहुत ही कम मिलती हैं। एक गत पेश करूँगा, 10:30।
ये है कि जैसे अलग 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 तालों की रचना है, कोई कौन सा राग किस हर राग, ये रूटीन जरूरी नहीं है कि उसमें जो भी उसकी जो गत है वो हर ताल में अच्छी लगे, ऐसा नहीं है। ये इसमें सिलेक्शन चूज़ ही बहुत रहना पड़ता है कि उस सिस्टम से देखना पड़ता है कि कौन सा ताल जाएगा, किस टेम्पो में जाएगा, क्यों जाएगा। तो ये इस चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, यानी वो तालीम जो बड़ी साइंटिफिक हो, सिस्टमेटिक हो, वो चीज़ जो हम पूरे दिल से जान सकें, पूरे अपनी इमेजिनेशन में हमने उसको उतना चिंतन किया हो, उसके बाद उतना सादा हुआ हो, उसके बाद उसको प्रस्तुत किया जाता है। ये सोपरिभाष का एक अंग है, यानी सोफेरा ग्रहण इकाई के एक ही हिसाब है। एक बात और है कि साज का काम तो बजना है, गाना नहीं है जी। वाद्य तो बजता है, उसको अगर आप गवाते हैं तो गवाने के लिए साज में कुछ चेंजेज, कुछ रद्दोबदल करने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। और जो पुराना संतूर भी मैंने देखा है, अभी एक तुम्बा मुझे आपके संतूर में दिख रहा है जो मुझे आमतौर पर नहीं दिखने को मिलता जी, है जी। तो साज गाए, जैसे अभय ने कहा कि इनका संतूर गाता भी है, तो उसको गवाने के लिए इंस्ट्रूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आपने क्या परिवर्तन किया, क्या चेंजेस किए इंस्ट्रूमेंट में जी? इंस्ट्रूमेंट में ये परिवर्तन हुआ कि जैसे अगर मैंने तुम्बा, एक मिनट में रोकता हूँ जी, कि हम जब रागदारी संगीत की बात करते हैं, शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं जी, तो कुछ तत्व होते हैं जो रागदारी संगीत में आना ही चाहिए, जैसे मीण है, हाँ, गमक है, कृंतन है, जमजमा हाँ, है, सपाट है। तो वो संतूर में आवे, जो आपने मुकाम पहले दिखाया उसमें वो सारी चीजें संभव नहीं है, नहीं थी। तो आप उसको लाने के लिए आपने अपने संतूर में साज में क्या बदलाव किया? साज में ये सारा बदलाव ही है, जैसे इसके रेंज बढ़ाने के लिए, इसमें पूरे 3 ऑक्टेव्स आने के लिए, और प्रेशर टेक्निक से 2.5 सप्तक है, यानी 3.5 सप्तक का ये साज बना हुआ है जी। और उसके बाद फिर जो टेक्निकल चीज़ें आती हैं, जैसे सस्टेन अभी दिखा रहे थे कि ताकि जो कटे ना, आपको फिर से दिखा दो देखिए, देख लेते हैं। अभी जैसे ये है, यानी जितना देर मुझे गंधार का सस्टेन चाहिए, किस शेड से, आस की बात हो रही है ये, यानी कट नोट से तो इतना बात नहीं बनेगी। दे रे 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 ना, अब ये जो घूम के आना है, ये तो तभी आएगा जब आपने टेक्निक इवॉल्व किया हो, अदरवाइज आप पॉसिबल नहीं है। मैं बजाऊंगा दा अगर नहीं लगता है गावती में ऐसे जी, तो गावती राग बनता नहीं है, बल्कि धुन में ही खत्म हो जाता है वो, तो धुन ही, हाँ जी गावती की धुन बचा दी। लेकिन यहाँ पे उस नोट के हिसाब से, अब ये नोट है, ये नोट है, ये नोट है, किस ढंग से है, तो वो जो या दे रे 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 जी, अब ये चीजें इतना कठिन हो गया, जब तक क्रिएट ना हो तब तक मतलब ख्याल में ही आ जाएगा, लेकिन बजेगा नहीं। आई मीन जस्ट फॉर अवर फॉरेन फ्रेंड्स हियर, आई एम सॉरी दैट वी आर टॉकिंग मोस्टली इन हिंदुस्तानी लैंग्वेज, बिकॉज द क्वेश्चंस आर सेट लाइक दैट, ही इज आस्किंग मी लाइक दैट, एंड देन देयर आर नंबर ऑफ टेक्निकलिटीज व्हिच कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इमीडिएटली, सो दीज आर बेसिकली व्हाट वी से दैट द टेक्निक्स दैट आर यूज्ड फॉर द वोकल सिंगिंग, बट for instrumentation they are very very important,
then instrumentation is to be added to that. That makes a recital perfect. So this is what I was demonstrating. तो ये सब चीज़ें और इनके भी इस संतूर में इन्होंने अपने हिसाब से बदलाव लाया है. आपने देखा होगा कि मोर ऑफ वीना साउंड करता है, लोअर ऑक्टेव मोर ऑफ वीना ज़्यादा साउंड करता है, या सस्टेन है जो मीड के प्रेशर टेक्निक से, जो मैं 5 सेकंड या 7 सेकंड या 8 सेकंड तक करता था, ये उसको 2-2 मिनट तक सस्टेन ही दे रहे हैं, 1 मिनट तक सस्टेन दे रहे हैं. ये उनका अपनी उन्होंने अपने हिसाब से क्रिएशन किया हुआ है. लेकिन जबकि सांचा था तब जाके इन्होंने किया कि भाई इस तरह से इसको करना है. मैं आपके संतूर में वो कुछ तरव चिकारी के तार भी देख रहा हूँ. अब चिकारी जैसे हम चीज आ रहे हैं तो चिकारी का साउंड है जी. और चूंकि उसके प्लेसमेंट ही ऐसी है और टोनल वेरिएशन वैसी ही है. और तरब ये है कि अगर तरब ना हो तो जितना भी मेड का काम है या जितना भी गमक का काम होता है वो सारा आपको अच्छी तरह से नहीं सुनाई देगा. वो साउंड चूंकि उसकी रेजोनेंस आती है जो बाकी तारों से नहीं आती है, इस वजह से मैंने इसमें तरब ऐड किया. आपके पहले नहीं था इसमें? नहीं, इस था ही नहीं कुछ. तो बस एक जो मैंने बताया था आउटलाइन संतूर का था, जो मैंने सूफियाना इनिशियली मैंने आपको बताया, उस हिसाब से वो ठीक था. उस हिसाब से उसके बजाने का टेक्निक था. लेकिन बोल कि ये दा है, ये रा है, ये दिर है, ये किस तरह से इवॉल्व होगा और कैसे तानों के प्रकार किस तरह से आ जाएंगे, दिर के बोल में से कैसे आ जाएंगे, दा रा के बोल कैसे, दिर के बोल से कैसे आएंगे, ये सारा मैंने अपनी लाइफ टाइम अब तक किसी तरह से करते करते ये जो चीज़ आपको लग रही है कि हाँ भाई ठीक है, मेरी जिंदगी के 8 साल इसमें गए हैं. सजने जी टेलिंग बिफोर मैन गॉन, 8 साल गए हैं जिंदगी के इसको. और शोल्डर की मूवमेंट से अगर इसमें प्रेशर नहीं आता है, ये एकदम से खाली चला जाएगा, ये आएगा ही नहीं. तो करते करते 65 साल जिंदगी के निकल गए. क्या बात. और वैसे का वैसा ही कोरा, क्या कीजिए बताइए. संगीत इतना बड़ा है कि सारी उम्र में आदमी करता जाता है, जब पल्ली पढ़ने लगता है करना क्या है तो चैप्टर राम नाम सती उसी में खाता हूँ. फिर वो नेक्स्ट जिंदगी के साल तो बहुत लोगों के निकल जाते हैं, लेकिन ये अचीवमेंट मिलती है या नहीं ये भी मायने रखता है. तो साल तो बहुत सारे लोगों के निकल गए, मेरे भी निकल गए बहुत सारे साल, लेकिन मुझे तो कुछ मिला नहीं ऐसा जो मैं कह सकूँ इतने दावे के साथ. तो हमारी इस शैली में जैसे पुराना एक ट्रेडिशन रहा करता था कि बंदिशें सिर्फ एक आवृत्ति की नहीं आया करती थी, दुमुखी, त्रिमुखी, चौमुखी बंदिशें. अब तो कोई बजाता नहीं है, अब तो पहले बंदिश ही गाती नहीं है तो जो मर्जी मन में आए करते रहो. दुमुखी त्रिमुखी का मतलब सम दो जगह दिखे, तीन जगह दिखे. हाँ, क्योंकि ऐसा है ना कि जैसे मेरे फादर जब मुझे बताते थे वो ये कहते कि भाई थ्योरी के हिसाब से हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, ये वादी है ये समवादी है. अब अगर आप उसको उसी जैसे विलंबित की गाथा आपने ले ली उसी फॉर्मेट में अगर द्रुत गत को भी देंगे तो चेंज नजर नहीं आएगा. मैं आपको एक गत सुनाता हूँ. हाँ बेटा, इसमें आप देखिए रागेश्वरी में है. इसमें देखिए तीन मुखी गाथा है, ये त्रिमुखी है जी. अब देखिए गाथा इसका कैसे. डॉक्टर वर्षा अग्रवाल देखिए 500 तार हैं इस वक्त स्टेज पर, 500 तार, हर तार को शुमार रखना है.
हारमोनी गाते बजाओ। दूसरा, dar 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 आपके कुछ कंपोजिशंस की बात करें। जी जी, कोई भी स्टेट, वहाँ का संगीत वहाँ के शासकों के मन के मुताबिक भी बहुत प्रभावित होता है। जी बिल्कुल, जैसा राजा होगा, जैसे नवाब होंगे, वैसे वहाँ का संगीत भी रूप पकड़ने लगता है। कश्मीर ने भी कुछ चेंजेस देखे होंगे, कश्मीर ने भी कुछ संगीत में परिवर्तन आया होगा। समय के साथ भी संगीत प्रभावित होता है। बिल्कुल, सुफियाना कलाम ने लंबी यात्रा की है, उसके विषय में कुछ सुनवाए, कुछ कोई कलाम ऐसा। देखिए कंपोजिशन, कंपोजिशन के रिलेशन टू कंपोजिशन ने, अब देखिए कुछ मैं आपको मुनीर जी से कुछ कम एक दो ये कहूँगा कि वो सुनाएगा। एक पैटर्न है वहाँ नसर का, यानी रजिस्ट्रेशन का, वो सुफियाना वाले भी लेते हैं, वो फोक वाले भी लेते हैं, और म्यूजिशियन कोई भी हो, लाइट वाला भी हो, तो रजिस्ट्रेशन पार्ट ऑफ वो वैसे ही लेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उसमें जैसे तहतुल लफ्ज यूं कहेगी नरेशन, तो एक कंपोजिशन ये सुनाएंगे कि जिसमें धुन ऐसी बांधी गई जो वन ऑफ द हिट्स है, सुपर हिट्स है, जिसमें कि मैंने वो उसी फॉर्मेट में कैसे बोलोगे कि वो वर्ड वैसे ही आ जाए, गाने के फॉर्मेट में है लेकिन नरेटिव के फॉर्म में, यानी रेसिटेशन के फॉर्म में भी कुछ वर्ड्स हैं। हाँ बेटा मुनीर सुना दो, ये पहले रेसिटेशन का सुना दो कि उसमें कैसे यूज होता है, और उसके बाद फिर जिस वक्त गजल में आया वो कैसे यूज होता है वजन में। जैसे मुनीर साहब कश्मीर से आए हैं इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से, ये हकीकत है, तारीख में ये लिखा जाएगा, और ये सच्ची बात है। जितना ही ये घराना पुराना है उतना ही ये घराना सच्चा है, क्योंकि अगर सच्चा नहीं होता, जितने भी ये कलाकार इससे निकले हैं वो आज इनकी बदौलत से वहाँ पे है, और जितनी प्रोडक्शन इन्होंने वहाँ पे दी है उतनी प्रोडक्शन आज तक किसी और ने नहीं दे दी है। तो जितना मैंने सीखा है उसके थोड़ी सी शक्ल आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, गुरुजी से इजाज़त लेता हूँ। सबसे पहले इन्होंने कैसे आलाप करना है ये सिखाया है। आ,
धरने धसा गगन से लल्लेश्वरी का कलाम है। गगन से बुथल से सिद्यन पोंतरा गगन से बुथल से सिद्यन पवन अरग चंदन अरग चंदन पोष्पोंसी सही छुख सोरे लग्ज क्या गोरन वुन नम कुनुई वचुन गोरन वुन नम कुनुई वचुन न्यबुर तो पुनम अंदर रचुन सुई गो लले मेवाक्त वचुन तवई मेह तुम नगई नचुन। ये कोकिले को याहू परते करते हो अल्लाह हो एक कोयल आप कुकू कर रहे हो याहू अल्लाह हो भी उसमें मौजूद है। ये है मफ़हूम इस गाने का जो किले को याहू परते करते हो अल्लाह हो सरनी रदनी परम वदनी सा कोकिले को याहू परते करते हो अल्लाह सुल सुल सो तस तुल हर तरते सुल सुल सो तस तुल हर तरते करते हूँ अल्लाह हूँ कुकिले कुकु याहू परते करते हूँ करते हो अल्लाह हो कुछ और आप तब टाइम मुनीर साहब से एक और सुन। हाँ ठीक है कश्मीर से आए हमारे लिए। हाँ यानी बहुत सारी कंपोजिशन से जो मकाम मकाम बंद थी जी। मैं तो मकाम पे मैंने बेस किया था उनमें से एक आध पेश करेगा। हमारी वहाँ पे सूफी परंपरा का बहुत जोर रहा है अलग अलग दौर
रह चुके हैं उनमें फारसी का भी बहुत एक अहम दौर रहा है। अमीर खुसरो साहब का एक कलाम जो गुरुजी ने हमारे लिए तैयार किया था, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। यानी चूँकि मेरी कंपोजिशन में पर्शियन भी बहुत सारी कंपोजिशन है, तो उसमें एक कलाम, एक कंपोजिशन ये। मनम महवे खयाले मनम महवे खयाले ओ नमीदानम कुजा रफ्तम शुदम घर के विसाले ओ नमीदान खुजा रफ्तम बर जमालत मुब्तलायम चुखुनम बर जमालत मुब्तलायम चुखुनम बर जमालत मुब्तलायम चुखुनम मन बइश्क अदबार ने आयम चुखुनम تلایم چوکنم لافش کت میزنم جانا ولی لافش کت میزنم جانا ولی بس فقیر بینایم چوکنم بس فقیر भजत सोपोरी जी ने संतूर में जो इतने बदलाव किए तो उसमें कई नई चीजों को जोड़ा इन्होंने, टप्पा तराना अंग की चीजों को भी ये संतूर में बजाते हैं और बजवाते हैं। यानी गायकी है तो पूरी गायकी है। तो पंडित जी क्या सुनवाएंगे आप, किससे सुनवाएंगे? रोशन अली खान जी से कहूंगा, वो तराना बेस्ड है, तराना यमन में एक एक कंपोजिशन, किस ताल में, एक ताल में है, किस में, एक ताल में, हाँ एक ताल का, एक ताल में एक तराना, बहुत ट्रेडिशनली, बहुत पुराना, बहुत ही पुराना, कम से कम हमारी परंपरा में ये 150 साल से ज्यादा है, तो उस वो पेश कर रहे हैं।
तो ये आपने देखा कि इस तराने के बोलों के हिसाब से कैसे इस कंपोजिशन को बांधा गया, यानी इस गत को बांधा गया है इस शैली में, जो कि पंजाब पे मैंने बहुत काम किया है जी। पंजाब के सैकड़ों कंपोजिशन हैं, जो कोई राइटर नहीं है पंजाब का सूफी शायरों में से जिनको मैंने अपनी कंपोजिशंस में नहीं बांधा है। तो अभी रागनी से मैं कुछ कहूँगा कि थोड़ा आपको सुना दें, यानी उस शैली में जो एक इनकी विकसित है, इसमें 80% आप देखेंगे कि क्लासिकल इस शैली में है जो बहुत प्रोडोमिनेंट है, यानी गायकी जिसे कहिए शास्त्रीय गायन, लेकिन चूँकि कंपोजिशनल है और ये लाइटर फॉर्म भी है, सूफी आखिर एक लाइटर फॉर्म है, तो दोनों का मिश्रण कैसे इस बच्चे से आप सुने, एक दो चीज़ें सुना दीजिए। यानी मेलोडी पे काफ़ी जोर है इस पर, उसकी भड़त पर काफ़ी जोर है, उसके रेंडरिंग पे वॉइस थ्रो पे काफ़ी जोर है। बाबा बुल्ले शाह का कलाम पेश कर रही हूं। की बेदर्दा संग यारी, रोवण अखियां जारो जारी। कागजा पाया चल, क्या बात है, बहुत अच्छा। की बेदर्दा दे संग यारी, की बेदर्दा रोवण अखियां जारो जार, की बेदर्दा दे संग यारी, रोवण अखियां जारो
तो पंजाब के रंग को मेंटेन करके ये धुन रची गई। अब अगर जैसे भजन की कंपोजिशन हो रही है तो भजन का एक अपना एक अदा है, भजन का भाव अंग अलहदा है, भाव अंग आता है तो स्ट्रक्चर्स बदल जाते हैं। एक भजन का मैं सुनाऊंगा एक एक लाइन उसकी, देखिए उसका कैसे इसका स्ट्रक्चर बन गया। हाँ बिल्कुल, सेंसिटिविटी जो लफ्जों की सेंसिटिविटी है उसको कैसे बरकरार करके धुन को सजाया गया। अपने कर्म की गति मैं क्या जानूं बाबा रे, अपने करम की गति जानो बाबा रे, अपने करम की गति जानो बाबा। देखिए जो रिदम स्ट्रक्चर लिया गया, कोई लफ्ज डिस्टॉर्ट नहीं हुआ, हर लफ्ज खिल के आ गया जिस ढंग से शायर ने कंसीव किया, जो भाव उसने कंसीव किया। मैंने पूरी कोशिश की कि उस भाव तक हम पहुंचे और उसी हिसाब से उसको रेंडर किया जाए ताकि वो पूरा छलक के आ जाए और इजी होके आ जाए सामने तक, एकदम से उसकी लो अप्रिशिएट कर सके सुनने वाला। पंडित जी, आपने संतूर को जो ऊंचाई दी है वो हम देख ही रहे हैं। कश्मीर की वादियों में सिमटा हुआ ये साज आज पूरी दुनिया में बज रहा है। बिल्कुल, ईश्वर की कृपा। इस पे लोग रिसर्च कर रहे हैं। आपके एक शिष्य विपुल रे भी हमारे साथ हैं। हाँ। जो संतूर पे ही रिसर्च कर रहे हैं, तो वो बैठे हुए हैं बहुत देर से। हाँ, ये देखिए थोड़ा सा बोलूं कि बढ़त का ये काम कुछ दिखाएगा आपको। हाँ बेटा, संतूर में बोलों की बढ़त कैसे होती है? विपुल, किरवानी में एक द्रुत गत में पेश कर रहा हूं।
तो ये थोड़ा सा जी जो बोल का अंगली के उसकी बढ़त करते गत की फॉर्मेशन ही उसी तरह से आई और ये भी इसी शैली का एक हिस्सा है। आपने छंदों को लेकर भी काफी काम किया है। काफी काम किया है जी। एक तान भी आप बजाते हैं कि एक हाथ से नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, दूसरे हाथ से क्रॉस जो पड़ता है ऊपर से नीचे की ओर, बड़ा मुश्किल है। एक हाथ से आरोह से अवरोह की तरफ जाइए और दूसरे हाथ से अवरोह से आरोह की तरफ आइए, बहुत मुश्किल काम है। लयकारियों का पैटर्न आपने बहुत लिया है। कुछ में अभी थोड़ा सा लास्ट में जी मंच के हवाले है जो लय के कैसे लाइज तो बहुत सारी हैं, सिर्फ आड़ को आड़ ब्याड़ में ही खत्म नहीं होता है जी। तो लेकिन कुछ में एक दो तीन चीजें आपको सुना देंगे दावती में ही। Thank you.
ये कॉम्पिटिशन पे तराने पे आधारित है, वो तराने देखे क्या है। प्रेम तनन तार दानी प्रेम तनन तार दानी ये तान देखिए, एक हाथ से आरोह से अवरोह और दूसरे हाथ से अवरोह से आरोह, उल्टा उल्टी बात बिल्कुल। ये इन्हीं का काम है और किसी के बस की बात नहीं है।
के खोल फिर दे रहा धर 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 ये अंग है, ये अंग है टिपिकल चित्रकारी का। से जाता है एक बार, अगर वो रिस्क से जाता है तो एक बार देखिए।